हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों आज का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे नए दोस्त पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं उनके लिए भी और जितने भी दोस्त पुराने हैं हमारे बिजनेस पार्टनर्स आपके लिए भी ये दोनों के लिए प्रोग्राम था इक्टियांस का बिजनेस हंड्रेड परसेंट डिजिटल बिजनेस है आप हंड्रेड परसेंट इसको डिजिटली कर सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं बट ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन होना भी जरूरी है क्योंकि जिस चीज की फीलिंग जो फीलिंग आती है दोस्तों जब हम लोगों से मिलते हैं मिलने का एक अलग ही मजा है राइट तो जो टेक्नोलॉजी काम करती है लेकिन जहां पे एक टच होता है नहीं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अमरीका जाने की क्या जरूरत है अमरीका के राष्ट्रपति को इंडिया आने की क्या जरूरत है राइट right. पूरी दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी क्यों मिल मिलते हैं एक दूसरे से क्योंकि मिलने से जो फर्क पड़ता है वो तो मिलने से पड़ता है बट समय को देखते हुए हमारी लिमिटेशन है हर जगह पे हम लोग नहीं जा सकते हैं हर जगह पर हम लोग नहीं हो सकते हैं तो कभी कभी हम फिजिकली मिल सकते हैं बट ज्यादातर चांसेस जो हैं टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी हम एक टाइम में इस टाइम में पूरे हिंदुस्तान से मिल सकता हूँ आठ बजे से लेकर दस बजे के बीच में मैं हर रोज इस प्रोग्राम में होता हूँ जिस दिन इस प्रोग्राम को कोई और लीडर भी कंडक्ट कर रहा होता है उस दिन भी मैं पर्सनली सारी बातें सुन रहा होता हूँ कौन लीडर कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है क्या प्रेजेंटेशन दे रहा है कौन सी बातें कर रहा है और मैं लीडर से प्रोग्राम से पहले भी बात करता हूँ और लीडर से मैं प्रोग्राम के बाद में भी बात करता हूँ प्रेजेंटेशन आठ बजे के प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे पता होता है कि आज हमारे जो लेजर है पैनल में वो क्या चीज करने वाले हैं जब प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद भी हमारी बात होती है कि आज का प्रोग्राम हमारा कैसा रहा तो मैं कनेक्टेड हूं मैं आई एम हंड्रेड परसेंट कनेक्टेड आठ से दस के बीच में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर मी फॉर यू ऑल टू बी कनेक्टेड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इवन दुनिया के हर कोने में हम लोग इस समय कनेक्टेड है जहां पर जूम काम कर रहा है जहां वेबनार काम कर रहा है जहां इंटरनेट काम कर रहा है वहां पे हम हाजिर हैं इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि इतिहांस का जो बिजनेस है आज की डेट में डिजिटल बिजनेस है और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारी जो ग्रोथ है कईयों गुना है आपने देखा होगा पहले आप अगर आज से दस साल पहले या बीस साल पहले के इतिहास देखेंगे कि जिसके पास में सपोज करते हैं कोई अरबपति होता था तो बड़ी बात होती सौ करोड़ किसी के पास है तो बहुत बड़ी बात है एक हजार करोड़ वाला आदमी तो बहुत बड़ा होता था एक हजार करोड़ उसके पास पांच हजार करोड़ की तो बात ही कुछ करोड़ वाला आदमी पूछो मत वो वो तो तो आज भी भी आप और हमारे हमारे लिए पता नहीं भगवान है पांच हजार दस हजार करोड़ वाला तो आदमी तो बहुत बड़ा आदमी होता था आज से दस साल पहले बीस साल पहले बट इस समय अगर आप पूरी दुनिया में हिसाब किताब लगाओगे ना पैसे की ग्रोथ की वेल्थ की तो इसमें से मेरे ख्याल से नाइनटी नाइन परसेंट लोगों को मेरी बात समझ भी नहीं आएगी अरे सर आप बोल क्या रहे हो ये तो ऊपर से निकल रही सारी बातें आप समझ रहे इतना ज्यादा वेल्थ लोग कमा रहे हैं इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इतने जबरदस्त ग्रोथ ले रहे हैं दुनिया में लोग पता क्यों क्योंकि अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल पावर आप सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं आप यकीन करेंगे लगभग लगभग दस लाख करोड़ रुपया एक साल में कमाए एक शख्स ने जिस टाइम दुनिया का नंबर वन आदमी है उसने दस लाख करोड़ भी नहीं लगभग पंद्रह लाख करोड़ रुपया कितने पंद्रह लाख एक दो करोड़ नहीं सौ दो सौ करोड़ नहीं हजार दो हजार करोड़ नहीं दस बीस हजार करोड़ नहीं एक लाख करोड़ नहीं दो लाख करोड़ नहीं पंद्रह लाख करोड़ सोचो आप कईयों को तो मेरी बात समझ भी नहीं आ रही होगी लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की और बार बार मैं कोशिश करूंगा तो समझ आ ही जाएगी आपको भी राइट कहने का मतलब अथाह अथा मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है वो फिगर्स ऐसी ग्रोथ जो है ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं आप जानते होंगे आज की डेट में आप चाहो तो देखते ओयो रूम ओयो 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 रूम एक बच्चा एक लड़का है जो एक गरीब परिवार का लड़का आज पूरी दुनिया में ओयो का रूम है उसका कोई खुद का होटल नहीं है

है ना अगर वो पचास हजार रुपए पैसे कमा रहा है लाख रुपया ट्यूशन से कमा रहा तो डेढ़ दो लाख रुपए कमा लेता था भाई यही लिमिट थी कि भाई एक लिमिटेड लोगों को ही एक ट्यूशन पढ़ा सकता आदमी भाई आपने बाइजूप का नाम सुना होगा वो आज एक लाख करोड़ से भी ऊपर की वैल्यूएशन चली गई उसकी आप सोचो आप एक कितना बड़ा आदमी बन गया पूरी दुनिया को दे रहा है वो एजुकेशन अलग अलग भाषा में दे रहा है वो एजुकेशन दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी ओला का नाम सुना होगा ओला एप उबर ओला है ना ये वो टैक्सिया है जिसके पास एक आदमी जिसके पास करोड़ों टैक्सी को चलाने का डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसने एक गाड़ी भी नहीं खरीदी पूरी धरती में गाड़ियों की लाइन लगा दी उस आदमी ने एक रुपया नहीं खर्च किया क्या था टेक्नोलॉजी ने काम किया हर जगह पर जैसे हमारा बिजनेस है इस लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना काल में असंभव था इतने लोगों से मिलना बातचीत करना नथिंग नॉट पॉसिबल समझ लो कहानी खत्म थी चैप्टर क्लोज था हमारा लेकिन इस डिजिटल ऐप ने क्या किया हमको बांध के रखा एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा है इस समय जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं और आप सभी लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे मेरे मेरे सामने इस टाइम दो तीन कंप्यूटर लगे हुए हैं मोबाइल चल रहा है तो मैं एक एक आदमी को नजदीक से देख सकता हूँ कौन आदमी कैसे बैठा हुआ है है ना कोई खाना बना रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई बड़ा सीसियरली सिनसियरली हाथ बिल्कुल यूं करके बैठा हुआ है है ना कोई कागज पेन लेके बैठा हुआ है तो मुझे एक एक आदमी नजर आता है यहां से कि कौन आदमी किस पोजिशन में है किसका जो आदमी वीडियो में है अब जो कलाकार वीडियो में नहीं है उनका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं है ना वो लेट के और ये भी पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे है? आ तो गए क्योंकि पार्सल तो चेक करेंगे फिर अलग से बोलेंगे क्या बात है क्यों नहीं आते हो क्या दिक्कत है क्या तकलीफ है ठीक है कहने का मतलब ये सब कुछ क्यों करते हैं हम लोग बिकॉज टू ग्रो वी वॉन्ट टू ग्रो ईच अदर हमें ग्रोथ चाहिए आपको भी ग्रोथ चाहिए मुझे भी ग्रोथ चाहिए हम सबको ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ आप अकेले नहीं ले सकते हैं ये टेक्नोलॉजी भी तब काम करेगी जब हम और आप काम करेंगे नहीं तो ये टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक साल में ना जीरो ग्रोथ की है जीरो ग्रोथ कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है वाई बिकॉज उनको लगा तो कोरोना आ गया अब कुछ हो ही नहीं सकता अब तो कहानी खत्म है सर कौन आएगा हम किसी को बुलाते हैं आता ही नहीं है दो चार पांच दस दिन मेहनत की महीने भर लगे होंगे महीने में लोगों ने उनको मान लो लोगों ने किसी ने सुनी नहीं उनकी बात को उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अरे ये पिछले एक साल में बारह महीने तो वैसे भी जाने थे आप तो रोक नहीं सकते हो बारह महीने को ना मैं रोक सकता हूं राइट अब क्या है हम कोशिश कर सकते हैं कोशिश लेकिन अगर हम कोशिश करने में भी सोचे ना आज कल तक तो कोशिश की थी अब नहीं होगा मेरे से खत्म होगी गेम ओवर बट अगर आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो तो किसी ना किसी दिन तो मामला सेट होना ही होना है और जिस दिन मामला सेट हो गया जिंदगी का बेड़ा पार हमने क्या किया हम लगे रहे लगे रहे हर रोज हर रात को यह लगता था कैसे होगा कैसे होगा हर रात ऐसे निकलती थी लेकिन रात को जब हमारा मूड होता था ना थोड़ा ऑफ मैं भी इंसान हूँ आप भी इंसान है हम सबका होता है मूड ऑफ जब रात को मूड ऑफ होता था खाया पिया के सो गए लेकिन सुबह उठते थे ना फिर सोचते थे अब क्या मैं कहा फिर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट तो दोस्तों अगर ये काम किया लगातार लगे रहे लगे रहे लगे रहे तो क्या हुआ करते करते कोई जुड़ गया किसी ने सामान खरीदा कोई जुड़ गया किसी ने सामान खरीदा किसी ने हाँ किया किसी ने मना किया किसी ने पॉजिटिव बोला किसी ने नेगेटिव बोला बट हुआ क्या करते कराते करते कराते अपने जैसे दीवाने पागल पैशन वाले लोग ड्रीमर मिल गए हमें जब उन्होंने भी ऐसे करना शुरू कर दिया मामला जमता चला गया धीरे 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 एक साल निकल गया फिर दो साल निकल गए फिर धीरे दीर धीरे पता चला तीन साल में चमत्कार शुरू चार साल में और बड़े चमत्कार पांच साल में और बड़े तो हर साल जो है हम लगे रहे टिके रहे इसलिए चमत्कार होता चला गया आज जिस पोजिशन पर हम पहुंचे हैं दोस्तों उसकी एक ही वजह है हम लगातार लगे रहे बस हमें किसी ने गारंटी नहीं दी थी आप डायरेक्टर बन जाएंगे इस कंपनी में हमें किसी ने लिख के नहीं दिया आप पक्का पाल जी आप तो डायरेक्टर क्या भी बनोगे बनोगे किसी ने नहीं बोला मैं डी आप ज्यादातर लोगों ने तो उल्टा ये बोला भाई साहब ये मुंह और मसूर की दाल ये क्या खाप देख रहे हो पाल जी यहाँ पे सपना देखना तो यकीन करना आप में से कितने लोग हैं जो आपके माँ बाप ने आपको बोला घर में बैठकर कि बेटा सपने देखा करो आपके आप में से ना जाने मुझे तो नहीं लगता हो तो सकता तो मैं गलत भी हूं नाइनटी नाइन परसेंट का तो मुझे यह पता है कि आपके घर वालों ने बोला होगा गलती से मत देखिए बड़े बड़े बड़ सपने पागल हो गया क्या ऐसे थोड़ी होते सपने पूरे है ना ये सपने सुपने मत देखा करो पागल हो जाओगे दिमाग आप उल्टा सीधा काम और करोगे क्योंकि उल्टे सीधे काम करके सपने पूरे कर सकता कोई आदमी कोई काम नहीं है दुनिया में ऐसे ये सब पागल बनाते हैं हमारे अपलाइन के बारे में ऐसे बोलते थे हमारे पड़ोसी ये जो तुम्हारा सीनियर है ना ये पाल तेरे को पागल बना रखा रखे तेरे को पता नहीं है कुछ नहीं होना है तो जब काम नहीं होता था तो हमें भी लगता था कहीं वो बात सच तो नहीं बोल रहा है सही तो नहीं बोल रहा था वो जो अंकल बोल रहे थे ऐसा ही लग रहा है कि हमारा तो हो नहीं रहा है उनका तो हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है लेकिन फिर हम ट्रेनिंग में आते थे हम मीटिंग में आते थे ट्रेनिंग में आते थे फिर इंजेक्शन लगता था हमारे को पॉजिटिविटी का इंजेक्शन राइट जब इंजेक्शन लगता था फिर पॉजिटिव लोग हमें नेगेटिव करते थे

मैं बोलता हूँ अगर आपकी इनकम लाख दो लाख पांच लाख दस लाख रुपए महीने की आ रही है तो फिर तो ट्रेनिंग में आओ ना आओ फिर भी एक बार एक बार के लिए मैं बोलूंगा तब तो मर्जी आपकी क्योंकि आप तो मौज ले रहे हो लेकिन लाख दो लाख रुपए अगर महीने नहीं आ रहे हैं गलती से भी गलती मत करना यह मत सोचना हमें तो पता है अरे आपको पता नहीं है अंदर अंदर से कौन सा वायरस आ चुका होगा जो अचानक गेम से बाहर कर देगा जब तक आप अंगीठी के अंदर हो ना तो आप उस अंगेरा उस अंगारे की तरह हो कि अंगीठी में बहुत सारे अंगारे हैं तो गर्म रहोगे जलते रहोगे चमकते रहोगे एक्साइटमेंट जोश रहेगा लेकिन अगर उस कोयले की तरह रहना जो अंगीठी से दूर हो गया है तो धीरे धीरे वो कोयला काला भी हो जाता है और बुझ भी जाता है राइट समझ गए होंगे मेरी बात को तो हमारे साथ भी यही है क्योंकि इस मीटिंग में किसी भी मीटिंग और ट्रेनिंग को अगर आपने मिस कर लिया यकीन करना इतना फर्क आता है लता मंगेशकर जी बोलती हैं अगर मैं एक दिन भी रियाज ना करूं ना एक दिन रियाज ना करूं तो मुझे खुद पता लग जाता है कि मिस हो गया प्रोग्राम सचिन तेंदुलकर विराट कोहली जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं हैं ना वो बोलते हैं, अगर हम डेली चार पांच घंटा प्रैक्टिस ना करें ना तो हमारे गेम में फर्क आ जाता है इतना जरूरी होता है दोस्तों हर रोज प्रैक्टिस करना हर रोज ट्रेनिंग करना मोटिवेशन रखना अपने आप को पॉजिटिव रखना अपने आपको ट्रेनिंग के अंदर सिस्टम के अंदर रखना दूसरी बात होती है दोस्तों आप एक लीडर हो जब आप ट्रेनिंग में होंगे सिस्टम में होंगे जिस पोजीशन में होंगे वीडियो में आप होंगे तो आपकी टीम वीडियो में होगी आप एटलीस्ट अगर ऑडियो में आ गए तो आपकी टीम ऑडियो में आ जाएगी है ना अगर आप प्रोग्राम में आते रहे तो आपकी टीम भी आती रहेगी इसीलिए क्योंकि समझदार को जितना मर्जी समझा दो भूल जाता है आदमी हमारा काम क्या है जागते रहो जगाते जगाता हमारा काम जगाने का है मैं क्यों आता हूं बार बार मैं भी इसीलिए आता हूं कि आपको ये ना लगे हमें तो सिखा के चले गए खुद नहीं आते है ना अच्छा हम लगे रहेंगे नहीं मेरे को पता है अगर मैं यहाँ प्रैक्टिकली आऊंगा तो आपको मैसेज आएगा जब इतने बढ़िया पैसे कमाते हुए इतना बढ़िया ताम झाम होने के बावजूद भी अगर रेगुलर हमारे साथ हैं हमारा लीडर बिल्कुल लीड बाय एग्जांपल कर रहा है हमारा लीडर लीड कर रहा है आगे रह के प्रदर्शित कर रहा है अपने आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है कि अगर मैं रेगुलर कर रहा हूं आप क्यों नहीं राइट right? तो हम सबको वही वही रोल मॉडल का काम निभाना है आपको मैं बताना चाहता हूं इस बिजनेस में हम माल बेचते नहीं है ध्यान रखना लिख लो इस बिजनेस में हम माल बेचते नहीं है इस बिजनेस में जब हम लोगों से बात करते हैं लोग हमारा सामान खरीदते हैं क्योंकि सामान इतना बढ़िया है इतना प्यारा इतना बेस्ट क्वालिटी का इतना हाई क्वालिटी का इतना यूनिक है इसलिए लोग हमारे सामान को खरीदते हैं हम अपने सामान को बेचते नहीं है हमारा बिजनेस बेचने का नहीं है हमारा बिजनेस लोगों को टीच करने का है पढ़ाने का है और आप पढ़ाएंगे कब जब आपने खुद पढ़ा होगा आप टीचर कब बनेंगे जब आप किसी दिन स्टूडेंट रहे हैं कोई दौर होगा ना स्टूडेंट वाला जब प्रोफेसर बनने से पहले क्या होता है आदमी पढ़ाई तो पढ़ाई तो कर रहा होता है प्लस वन प्लस मैट्रिक प्लस वन प्लस टू फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फिर उसने पीएचडी कर ली है ना एमटेक कर लिया कुछ भी किया उसने पढ़ाई लिखाई ली उसके बाद उसको एलिजिबल माना जाता है उल्टा उसको ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ना अलग बात है पढ़ाना अलग बात है सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आपको पढ़ाने का गुण आ जाएगा जरूरी नहीं है जितने भी स्कूल हैं जो ये जो एजुकेशन प्रोसेस है दुनिया का देश का उसमें बकायदा अपने हमारे स्टूडेंट को हमें कैसे हैंडल करना है स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट रखना है उनका क्या साइकोलॉजी होती है बच्चों की यह बकायदा टीचरों को पहले सिखाया जाता है टीचर्स की पहले ट्रेनिंग होती है ऐसा नहीं है आप डिग्री लेके आ गए और आपको भेज दिया जाओ पढ़ाओ बच्चों को ऐसा नहीं होता है कभी दुनिया में यह ऐसे इस बिजनेस में भी है अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो एक अच्छा मास्टर बनना चाहते हो क्योंकि ये बिजनेस बेचने का नहीं है ये, ये बिजनेस जो है टीचिंग का है एजुकेट करने का बिजनेस है मैंने एक रुपए का माल नहीं बेचा ये बताया जब आप प्लान दिखाते हो मैं तो नहीं दिखाता आप दिखाते हो ना आप डेमो देते हो मैं तो नहीं देता हूं ऐसे ही मैंने भी डेमो दिया मेरे अपलाइन ने आकर थोड़ी दिया डेमो मैंने प्लान दिया मेरे थोड़ी दिया उन्होंने सिखाया हमने आपको सिखाया आपने आगे अपनी टीम को सिखाना है अगर मैं ही मैं सबका ही करने लग गया तो किस किस का कर करूंगा सोचिए आप अगर आप ही करने लगे ना लोगों का डेमो मीटिंग कब तक करते रहोगे ये बता दो कब तक एक दिन बाद तो आपके भी सिर के बाल उड़ जाएंगे आप परेशान हो जाओगे सर किस किस को दू सब रो रहे हैं एक बच्चे को तो हेल्प कर सकते हो आप दो बच्चे को हेल्प कर सकते हो आपके बीस बच्चे को क्या करोगे आप दिन तो चौबीस घंटे ही है उसमें से बाकी सारे काम करने हैं कहने का मतलब क्या है हमें समझने की जरूरत है अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है बड़ी टीमें खड़ी करनी है बड़ा नेटवर्क बनाना है वो सिर्फ एजुकेशन से ट्रेनिंग से हो सकता है सिस्टम से हो सकता है इसीलिए सिस्टम का जन्म हुआ है और मुझे प्राउड फील करता हूं मैं अपने आप को इस सिस्टम की बदौलत ये सिस्टम का जन्म तो समझ लीजिए 18 साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था क्या इंटरनेशनल बिजनेस में जुड़ा था तभी हो गया था मेरा सपना था कि जो एजुकेशन जो ट्रेनिंग मुझे मिली है जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग में लाखों करोड़ों लोगों को दूंगा आने वाले सालों में और आज मुझे आपको बताते हुए प्राउड फील होता है कि आज मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आज मुझे ये सब करते हुए बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है और मेरा मन करता है कि इसको और अच्छे तरीके से करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को हम और बेटर कर सकें आप समझ गए होंगे ये जो आठ से लेकर दस का जो प्रोग्राम चलता है हालांकि ऑफिशियली ये आठ से साढ़े नौ ही है लेकिन जितने भी हमारे लीडर हैं करते करते इसको दस तक ले ही जाते हैं तो इसीलिए मुझे इस ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे बताना पड़ता है कि आठ से दस का प्रोग्राम राइट क्योंकि आठ से साढ़े नौ बार बार बोलूंगा तो धीरे धीरे मन मन, मन में आप ही सोचोगे बोल तो साढ़े नौ है ले तो दस तक जाते हैं ये राइट तो कहने का मतलब है ऑफिशियली तो डेढ़ घंटे का ही है बट अनऑफिशियली हम लोग और फिर उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कोई चला भी जाता तो हमें भी नहीं लगता कि चला क्यों गया हमें लगता है हाँ ठीक है जी जाओ डेढ़ घंटा आपने दे दिया है तो आपकी मर्जी है उसके बाद साढ़े नौ के बाद सुनना है या नहीं सुनना है राइट तो दोस्तों जैसे आज आपने ट्रेनिंग सुना क्या आपको मालूम है ट्रेनिंग कौन दे रहा था ट्रेनिंग दे रहे थे श्री 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 एक हजार आठ पालवी बसना है जी समझिए कहाँ से दे रहे थे ये बीबीसी का चैनल था ठीक है अब सोचिए ऑलरेडी यूट्यूब में ये चैनल है ये ऑलरेडी ये वीडियो है शानदार जबरदस्त मैं खुद सुनता हूं मैंने डिसीजन लिया आज आपको कौनसी ट्रेनिंग देनी है और मैं खुद बैठ के सुन रहा था मेरे को मजा आ रहा था मैं खुद को रिवाइव कर रहा था चीजों को अच्छा लग रहा था आई वॉज गेटिंग मोटिवेटेड पॉजिटिव एक्साइटेड था मैं जब मैं सुन रहा था मैं सही जा रहा हूं मैं सही जा रहा हूं मतलब जब आप अपने आप को यूं करते हो ना पीछे से तो समझो सही काम कर रहे हो आप राइट आपको खुद पता होता है आप गड़बड़ कर रहे हो या सही कर रहे हो ऐसा तो है नहीं कोई आदमी कुछ भी बोल दे उसको सब पता होता है वो ड्रामेबाजी करता है, मुझे पता नहीं था पता सब होता है लेकिन आदत आदत से से मजबूर मजबूर है तो हम भी से हैं कि हमें करना ही करना है तो आज का प्रोग्राम आपने जो सुना वो प्री रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल का हमारा वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनिंग में से एक ट्रेनिंग थी और उसके बाद मैं अभी आया हूँ तो ये भी पता लग गया हाँ बंदा टाइगर अभी जिंदा है ठीक है तो आपको रूबरू होने का भी मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही इस सेशन को एंजॉय करिए अभी आने वाले टाइम में आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे लीडर को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आने वाले टाइम में बहुत सारे रोटेशन आने वाले हैं यहाँ पर तो आपको अलग अलग लीडरों का यहाँ पर ट्रेनिंग उनकी फीलिंग्स वो जो भी आपके बीच में शेयर करेंगे वो आपके लिए एक वेल्थ की तरह काम करेगा वो इतनी दौलत से कम नहीं है क्योंकि जो ज्ञान है ना ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है है ना ज्ञान एक ऐसी चीज है ना जितना खर्चो उतना बढ़िया उतना बढ़िया होता है जब मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ मैं उल्टा खुद मोटिवेट होता हूँ ये फायदा है आपको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को जब जब आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दोगे आप खुद मोटिवेट हो और बढ़िया तरीके से सीखने का तरीका भी यही है उतना आपको अच्छा लगेगा तो इस पैनल में बहुत सारे लीडर आने वाले टाइम में आने वाले हैं जैसे कि हर रोज आजकल बोल रहे हैं हम लोग दस तारीख को सेवन स्टार एंड अब एक्टिव लीडर्स का एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है फरीदाबाद में तो आपको मिस करने वाले हैं बहुत सारे लोग जिनका मन है काश हम भी होते बहुत सारे लोग वो उनको ज्यादा दर्द होगा जो एलिजिबल है जो आ सकते हैं लेकिन वो बोलते हैं मामला थोड़ा दूरी का है कोई बात नहीं दूरी का है या मजबूरी का है बट आई होप कि बहुत जल्दी हम उनसे भी मुलाकात करेंगे नंबर वन नंबर टू वो लोग भी सोच रहे हैं काश जो अभी सेवन स्टार नहीं है उनका दर्द भी समझ सकते हैं इसलिए जल्दी से जल्दी सेवन बनना है लेकिन सबसे ज्यादा दुख तक किसको होगा वो सेवन भी है बट वो एक्टिव नहीं है एक्टिव नहीं है क्योंकि डाटा उनका बताता है उनकी कुंडली बताती है उन्होंने पिछले महीने कुछ नहीं किया अब छह तारीख हो गई छह तारीख तक का भी डाटा बताता है भी क्या चल रहा है भाई साहब उससे पिछले महीने भी खास नहीं किया उन्होंने तो उनके लिए हम बोलते हैं हाथ जोड़ के सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर राइट बट अगली बार ध्यान रखेंगे आपका इसलिए बी एक्टिव आने वाले टाइम में सिर्फ इसी क्राइटेरिया की वजह से लोग आपके एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे आपकी टीम में कि अच्छा बिन एक्टिव के नहीं बुलाएंगे मैं मैकअप बिल्कुल नहीं बुलाएंगे पूरा प्यार है पूरा मोहब्बत है उस 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 प्रोग्राम में नहीं है बाकी जब मर्जी मिल लेंगे राइट right? तो आई होप कि आप में से जो ऐसा शख्स है एक्टिव नहीं है बट सेवन स्टार है डोंट गेट दिस डिसहार्ट वो छोटा ना महसूस करे अपने आप को आप सेवन स्टार हैं आपका हमेशा इज्जत है हमेशा रहेगा बट बी एक्टिव क्योंकि आपके घर में पैसा आएगा ना तो घर वाले भी तियांशी की जय जयकार करेंगे नहीं तो तियांशी को गाली दे रहे होंगे और आपके चक्कर में हम खा रहे होंगे है ना तो हमें क्या करना है त्यांश की जो खुशबू है त्यांश का जो तोहफा है त्यांशी की जो खुशियाँ हैं वो आप सबके घर में जाए और मैं उम्मीद करता हूं सभी लीडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम और दुबई की तैयारी बड़ी जबरदस्त चल रही है इस टाइम दुबई के लिए तो लोग पागल हुए पड़े इस टाइम पैशन के साथ दुबई जाना है लोगों ने यूट्यूब में देख देख के ना दुबई को फील कर लिया अब कितना मजा आने वाला है दुबई जाके और जो अभी तक हवाई जहाज में नहीं बैठे ना उनके तो कांटे पैदा हो रहे मतलब सोच के ही कि यार दुबई मतलब हवाई जहाज में जाएंगे हवाई जहाज में बैठे ही नहीं उनके ऐसे है जैसे रॉकेट में जा रहे हैं आसमान में राइट तो हवाई जहाज में बैठने का एक फीलिंग और सबसे बड़ी बात है फ्री 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 सब कुछ फ्री आपने अपना बटुआ अपने पर्स अपना पर्स को अपनी जेब में रखना है और नहीं भी रखोगे आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक आना है दिल्ली एयरपोर्ट तक वहां से जाना खूब मौज मस्ती और उसके बाद एयरपोर्ट तक आपको छोड़ दिया जाएगा एक रुपए का खर्चा नहीं है आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आपकी मर्जी एक रुपए का खर्चा नहीं आप सोचो खाना पीना घूमना मौज मस्ती सब कुछ त्यांस कर रही है सोचिए जिस काम को आप पिछले पांच दस पंद्रह साल से कर रहे हो कैसा कभी टूर मिला एक टूर नहीं साल में एक दो तीन चार ऐसे होते हैं टूर मैं फोर्टी सेवन इंटरनेशनल टूर एंजॉय कर चुका हूं सैंतालीस इंटरनेशनल टूर अभी तो चार इंटरनेशनल टूर के तो पैसे मिल गए दो में कोरोना काल में नहीं तो अभी तक इक्यावन होगी होती गिनती राइट तो मेरा कहने का मतलब है पूरी दुनिया घूमनी है हमने फ्री में घूमनी है नाड़े पैसे कमाने नाड़े पुण्य नाड़े फलियां पंजाबी में कहते ना नारे पुनः नाड़े फलियां है फायदा का फायदा है आम के आम है गुटियों के दाम है कहने का मतलब यह है इतिहास करने में चौतरफा तरक्की है हेल्थ अच्छी हो जाएगी वेल्थ अच्छी हो जाएगी एक अच्छा लाइफ बन जाएगा दुनिया भर घूमने का मौका मिलेगा और आप लोगों की हेल्थ को बेटर कर रहे होंगे दुआएं मिल रही होंगी आशीर्वाद मिल रहा होगा और एक मिशन ओरिएंटेड काम हो गया है हमें लोगों की जिंदगी अच्छी करनी है और जैसे की बात करता हूं हमारा जो एक सौ सौ रुपए के आसपास का जो प्रोडक्ट है ये जो मैं बोलता हूँ ये करोड़ रुपए कमाने की चाबी है हर घर में हमारी बहन बेटियां हैं जब तक ये दुनिया रहेगी ये प्रोडक्ट चाहिए और सबसे अच्छी बात है कि दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट है का एरीज कमाल कर सकते हो अभी पांच हजार करोड़ का इंडस्ट्री है अगले दस साल में बीस हजार करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है इतनी डिमांड है अभी घटिया प्रोडक्ट से माल बिक रहा है मार्केट में जब आप और हमारा माल बिकना शुरू होगा हो ना दबा के तो यकीन करना ये नेपकिन ये नेपकिन ना आपके दस बीस पचास लाख के चेक तो वो बिठा देगा क्या होने वाला है सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे लेकिन पागल होना बहुत जरूरी है और उसके लिए इस प्रोग्राम में आना जरूरी है इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ही बात कहूंगा दुबई चलना है लो इन तीन महीनों में ऐसा कुछ करना है दुबई जाना ही जाना है ए में कितना करना है बी टीम में कितना बिजनेस करना है लिख लो डायरी में और दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अब टाइम कम है हर बात पूछ पूछ के करोगे तो टाइम खत्म हो जाएगा दिमाग की भी तो अपनी है ना फ्रिक्वेंसी जब आप सोचोगे ना अच्छा यहाँ से एक गोल्ड आएगा यहाँ से एक ब्रॉन्ज आएगा यहाँ से प्लेटिनम आएगा हो गई इतनी सैन यहाँ से इतने ब्रांज आएंगे इस आदमी से मैं गोल्ड पैदा करूंगा उस आदमी को बोलूंगा तुम भी मुझे एक गोल्ड दो उसको बोलूंगा मुझे दो दो उसको बोलूंगा एक प्लेटिनम दो। चोरी करना महापाप है मदद मांगना बहुत अच्छी बात है और मदद मांगने के लिए दिल चाहिए दिल। आज आप किसी से मदद मांगोगे तो कल को मदद भी तो करोगे और ज्यादातर लोग मदद इसलिए नहीं मांगते हैं वो सोचते हैं कल को मेरे को भी तो करना पड़ेगा तो भाई क्या हो गया ये दुनिया चली ऐसे रही है और मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करके टूर क्वालिफाई करेंगे होता ऐसे ही है पता चला एक को बोला, का से चाहिए। अगर ऐसा नहीं है गोल्ड ही गोल्ड आएंगे आप अब दिमाग तो लगाओ ना किससे बोलना है कि मुझे दो ब्रॉन्ज चाहिए किसको बोलना मेरे को पांच ब्राउ चाहिए किसको बोलना मेरे को दो गोल्ड दे दो किसको बोलना मेरे को एक प्लेटिनम दे दो लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ किसको बोलना है किससे मदद लेनी है किसके थ्रू लोगों से मिलना है मान लो आपको लिंक लिंक नहीं है अब देखिए किसके लिंक अच्छे हैं। ऐसे आदमी के साथ जाके बैठिए मेरे को बैठिएफाई करना है आप बताओ कितनी मदद कर सकते हो मेरी उससे पैसे थोड़ी ले रहे हो आप उसके थ्रू रेफरेंस ले रहे हो वो बोलेगा का एक काम करना उस आदमी को तुम गोल्ड बना दो इस आदमी को ये करा दो ब्रॉन्ज करा दो इसको सिल्वर करा दो मैंने एक लाख का बिजनेस दे दिया बहन जी भाई जी ओके okay? हाँ जी ओके थैंक यू सो नाइस ऑफ यू हमेशा धन्यवाद आपके कि मैं दुबई टूर में आपकी मदद से जाऊंगा आप बताओ क्या मदद करोगे मेरे को दुबई भेजने में आप समझ रहे हो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं और उसको भी पता है कि मेरा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा है ना बेमतलब मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा देखो इतने बड़े बड़े लीडर हैं समझाते हैं ये वाली बात मैं नहीं समझाऊंगा ये तो मैं जाते जाते कुछ मेरे दिमाग में आ गई बात तो मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि हमने ऐसे किया हमने पकड़ा एक आदमी ने बोला कि बताओ पाल जी आपके लिए क्या करना है मैं कहा अंधा क्या मांगे दो आंखें नेकी और पूछ पूछ किसी ने पूछा और हमने बोल दिया उन्होंने कर दिया हमारा हो गया आप समझ गए बात को बस इशारे काफी है नहीं तो एक घंटा बोलूंगा ना तब भी कम पड़ जाएगी ये वाली बात नहीं समझ आई पकड़ो अपनी अपलाइन को उनको भी नहीं समझ आई वो मेरे को पकड़ेंगे जब मैं उनको बताऊंगा वो आपको बता देंगे हो गया काम समझ आ गई तो बहुत बढ़िया नहीं समझ आई तो अपनी अपलाइन से पूछिए कैसे तो मैं मजा आ गया लास्ट में धन्यवाद आपका सुनने के लिए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बेटर क्या बेटर लाइफ आई लव ट आई लव आई डी न सिस्टम आई एम अ डायमंड यू ऑल आर डायमंड वी ऑल आर डायमंड गो गोल्ड लर्न सोन दो साल का टारगेट हंड्रेड गोल्ड हंड्रेड सिटी हंड्रेड एंड डीवर इसके ऊपर काम चल रहा है आपको सौ सिटी हम डेवलप करने वाले हैं उसके ऊपर ही काम हो रहा है बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे उसमें से बहुत सारे सिटीज़ में आपका काम चल रहा होगा तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेस्ट विशेष लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच